नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग इंस्टेंट हार्टिकल्चर का एक दूसरा पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। पहले पार्ट में मैंने जो फ्रूट क्रॉप और उनके जो बोटैनिकल डिस्क्रिप्शंस थे और उसके साथ साथ जो डिजीज़ थी, इन सब चीज़ों को मैंने पढ़ा दिया है। आज से हम एक उसका अलग दूसरा पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो इंस्टेंट हार्टिकल्चर है। उसको दो तीन पार्ट में डिवाइड करा गया है। एक में क्या है कि फ्रूट वाले क्रॉप्स हैं, दूसरे वाले में वेजिटेबल वाली क्रॉप्स हैं, तीसरे में फिर फ्लोरिकल्चर है, उसके बाद फिर पोस्ट हार्वेस्टिंग है। तो इसी तरीके से चार पार्ट्स में उसको डिवाइड कर रखा गया है बुक को। तो पहला पार्ट मैंने ख़त्म कर दिया है, ठीक। कुल मिला के 51 लेक्चर थे, कुल मिला के 51 लेक्चर में मैंने उसको पढ़ा के ख़त्म किया है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं वेजिटेबल क्रॉप का। इंस्टेंट हार्टिकल्चर जो बुक में लिखा है उस बुक से वेजिटेबल के क्रॉप का जो पोर्शन है वहीं से आज स्टार्ट कर रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बोटेनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल क्रॉप, जिसमें हम बात करेंगे कि बोटेनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल क्रॉप क्या होता है। जैसे कि उसका कॉमन नेम क्या होता है वेजिटेबल का, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, फैमिली क्या है, ओरिजिन प्लेस क्या है, एडिबल पोर्शन क्या है और क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक चीज़ और जान लीजिए कि आज ये जो बोटेनिकल क्लासिफिकेशन है ये काफ़ी ढेर सारा है। देखो क्या होता है कि जो वेजिटेबल की क्रॉप है वो बहुत ढेर सारी क्रॉप है, ठीक। तो एक ही लेक्चर में उसको इंक्लूड करना बहुत बोरिंग सा हो जाता, क्योंकि इसमें फैक्ट है, ज़्यादा कुछ समझाने वाली चीज़ें हैं नहीं, केवल फैक्ट है। कुछ इंग्लिश के टफ वर्ड हैं तो इसी वजह से उसको प्रोनाउंसिएशन में काफ़ी बच्चों को दिक्कत होती है, इस वजह से उसको प्रोनाउंस करना भी सिखा देंगे और बार बार जब आप सुनेंगे तो याद भी आसानी से हो जाता है। तो इसी वजह से इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो आज हम पढ़ेंगे बोटेनिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट वन और फिर आने वाली जो दूसरे लेक्चर की वीडियो होगी उसमें हम बोटेनिकल क्लासिफिकेशन का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। सबसे पहले जब बोटेनिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हम बात करेंगे दो ऑन द बेसिस ऑफ टू टाइप्स। कैसे? पहला होता है मोनोकोटिलेडोनस और दूसरा होता है डाइकोटिलेडोनस। अब मोनोकोटिलेडोनस सीड वो सीड होते हैं जिनका बीजपत्र एक ही होता है, जिनके अंदर एक ही बीजपत्र होता है, मतलब उनको हम इजीली अलग नहीं कर सकते। इजीली अलग करने का मतलब जब अगर इसको हम दबाएंगे, इस पर जब दबाव डालेंगे तो वो दो पार्ट्स में इक्वली नहीं टूट के अलग हो जाता। जैसे चावल, इसको दो इक्वल पार्ट में नहीं तोड़ सकते। गेहूं, दो इक्वल पार्ट में नहीं तोड़ सकते। मेज नहीं तोड़ सकते, ठीक। उसी तरीके से फिर आप चने को अलग से तोड़ सकते हैं। तो चना क्या है? डाइकोटिलेडोनस है। और जो गेहूं है वो कैसा है? मोनोकोटिलेडोनस है। इसी तरीके से वेजिटेबल्स में भी बहुत ढेर सारे होते हैं। तो मैंने मोनोकोटिलेडोनस और डाइकोटिलेडोनस का जो चीज़ है इसको मैंने फ्रूट एग्रोनॉमिक्स क्रॉप से इस वजह से बताया कि आपको आसानी से समझ में आ जाए, मतलब जिनको हम आसानी से दो टुकड़े में तोड़ सकते हैं। जैसे चना है, चने को आसानी से दो टुकड़े में तोड़ लोगे। मटर की दाल है, देखो आसानी से दो टुकड़े में टूट जाती है। लगता है जैसे नेचर ने इसको ऐसे बना के रखा है कि आराम से ऐसे दो टुकड़े में आसानी से ये टूट जाएगा, जबकि गेहूं नहीं टूटता ऐसे। इसी तरीके से जो आपका डेट पाम खजूर है वो भी दो टुकड़े में आसानी से नहीं टूटता है, क्योंकि इनके बीजपत्र आपस में जुड़े होते हैं। मोनोकोटिलेडोनस के बीजपत्र आपस में जुड़े होते हैं और डाइकोटिलेडोनस का जो सीड होता है इसके बीजपत्र अलग अलग होते हैं। इसमें दो बीजपत्र होते हैं, डाई मतलब दो और मोनो मतलब वन। तो मोनोकोटिलेडोनस में एक बीजपत्र, कोटिलेडन इंग्लिश में कहते हैं, मोनोकोटिलेडन में एक मोनोकोटिलेडन होता है और डाइकोटिलेडोनस में दो कोटिलेडन्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इधर लिखा है वो फैमिली लिखी है, ये कॉमन नेम है, ये बोटेनिकल नेम है, ये ओरिजिन है, ये एडिबल पोर्शन है और ये 2n नंबर है। अब इसमें जो सबसे पहले हम बात करेंगे तो एक फैमिली है अमरिलिडेसी, जिसको एलिएसी भी कहते थे। इसका पुराना नाम जो है वो एलिएसी फैमिली है और जो नया नाम है इसका वो है अमरिलिडेसी। अमरिलिडेसी फैमिली का जो है सबसे इंपॉर्टेंट एक क्रॉप है वेजिटेबल क्रॉप वो है ओनियन। इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है एलियम सेपा। इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो सेंट्रल एशिया है। इसका एडिबल जो पोर्शन है वो बल्ब है, जिसका जो प्याज का जो हम खाते हैं वो बल्ब होता है। वो किसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है? वो स्टेम होता है, एक स्टेम होता है जिसको हम बल्ब खाते हैं, ठीक। उसके बाद इसका जो क्रोमोसोम नंबर होता है 2n, इसमें 16 होता है।
फिर उसके बाद गार्लिक जिसको हम लहसुन कहते हैं, इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है एलियम सटाइवम। इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो है सेंट्रल एशिया। इसका एडिबल पोर्शन है क्लोव। इसमें भी क्रोमोसोम नंबर 16 ही पाए जाते हैं। फिर जो दूसरा है लीक, इसका ज़्यादातर हम स्टेम और लीफ वाला पोर्शन खाते हैं, मतलब साग बना के इसका खाया जाता है। लीक का जो बोटेनिकल नेम है वो है एलियम पोरम। इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो भी है सेंट्रल एशिया ही। तो सेंट्रल एशिया ही हैं सब, अमरिलिडेसी फैमिली के जितने भी क्रॉप्स हैं इनका सब ओरिजिन प्लेस सेंट्रल एशिया ही है। इसका स्टेम और लीव्स खाते हैं, जैसे अभी मैंने पहले बताया ओरिजिन प्लेस इसके अंदर 32 होता है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे एरिकेसी फैमिली की। ठीक, एरिकेसी फैमिली में आता है तारो, तानिया और एलिफेंट फूट याम। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन इसमें से जो एलिफेंट फूट याम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जान लेते हैं, जो एलिफेंट फूट याम होता है इसका जो ये वाला जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये दोनों उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एलिफेंट फूट याम जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका बोटेनिकल नेम काफ़ी बार पूछा जाता है। एलिफेंट फूट याम का जो बोटेनिकल नेम है वो क्या है, एमार्फोफिलस कामपनेलेटस। क्या है, एमार्फोफिलस कामपनेलेटस। इसका जो एडिबल पोर्शन है वो है कॉर्न, और इसका जो 2N नंबर है इसमें 26 पाया जाता है, 26 क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं। फिर आगे बात करते हैं, वो है डायस्केरियसी। कौन सी फैमिली है, डायस्केरियसी फैमिली। तो डायस्केरियसी फैमिली में जो सबसे पहला जो क्रॉप है वेजिटेबल वो है ग्रेटर याम। ग्रेटर याम का जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है डायस्कोरिया एलाटा। क्या होता है, डायस्कोरिया एलाटा। इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो है इंडो बर्मा रीजन, और इसका जो एडिबल पार्ट है वो क्या है, ट्यूबर है। इसका क्रोमोसोम नंबर इसमें जितना पाया जाता है, कितना, 40 पाया जाता है। तो आप देखेंगे कि डायस्क्योरेसी फैमिली में जितने भी क्रॉप हैं इनका सबका बोटेनिकल क्रोमोसोम नंबर 40 ही है, और सबके अंदर डायस्कोरिया लगा हुआ है, डायस्कोरिया से डायस्कोरियसी फैमिली। अब देखो जो लेसर याम है इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है डायस्कोरिया स्कुलेंटा। क्या है, डायस्कोरिया स्कुलेंटा। इसका भी ओरिजिन प्लेस इंडो वर्मा है, इसका भी ट्यूबर ही खाया जाता है, क्रोमोसोम नंबर इसमें भी 40 है। ये सभी चीज़ें सेम है, फैमिली भी सेम है, और नाम केवल कॉमन नेम जो हो थोड़ा सा अलग है, ग्रेटर याम, लेसर याम और वाइट याम। तो जो ग्रेटर याम है उसका है डायस्कोरिया एलाटा, लेसर याम है डायस्कोरिया एस्कुलेंटा, और वाइट याम का क्या है, डायस्कोरिया रोटनडाटा। फिर उसके बाद ग्रेमिनी है, इसमें एक स्वीट कॉर्न है जिसको हम जिया मेज बोलते हैं। इसका बोटेनिकल नेम जिया मेज है, कॉमन नाम इसको मक्का बोलते हैं। इसका हम कर्नेल खाते हैं, इसके अंदर बोटेनिकल, इसका जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो होता है 20। इसमें 20 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। फिर अगली जो इंपॉर्टेंट फैमिली है उस फैमिली का नाम है लिलियसी फैमिली। लिलियसी फैमिली में एस्परेगस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रॉप है। एस्परेगस का जो बोटेनिकल नेम है वो है एस्परेगस ऑफिसिनेलिस। इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो है यूरोप एशिया। इसका जो खाते हैं यंग सूट्स खाते हैं, जिसको हम स्पेयर्स बोलते हैं, इसका जो यंग सूट निकलता है उसी स्पेयर्स को खाते हैं। ठीक, निकलता जो है यंग सूट उसको स्पेयर कहते हैं। अब इसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो कितना होता है, 20। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बार बार अगर आप देखते रहेंगे तो आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं डायकोटिलेडनी, यानी कि ऐसे सीड जिनके कॉटिलिडन 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, उनको डाइकोटिलेडन्स बोलते हैं। तो मोनोकॉटिलेडन्स में काफ़ी कम क्रॉप होती है, ज़्यादा क्रॉप डाइकोटिलेडन्स में होती है, चाहे किसी में बात करो, चाहे फ्रूट में, चाहे ग्रेमिनी कुल में बात करो, सॉरी चाहे फ्रूट में बात कर लो, चाहे एग्रोनॉमी में बात कर लो, चाहे वेजिटेबल में बात करो, सब में डाइकोटिलेडन्स ज़्यादा होते हैं और मोनोकॉटिलेडन्स कम होते हैं। अब देखो इसमें एक फैमिली है अमरेंथियसी। कौन सी फैमिली है, अमरेंथियसी। इसका जो कॉमन नेम वाली एक क्रॉप है अमरेंथस। ठीक, तो अमरेंथस का जो बोटेनिकल नेम है वो क्या है, अमरेंथस स्पीसीज। इसका ओरिजिन जो है वो है इंडिया। इसका एडिबल पोर्शन लीफ और स्टेम खाया जाता है। अमरेंथस को ही हम लोग चौलाई बोलते हैं, चौलाई का साग खाया जाता है। ठीक, इसका जो वो होता है क्रोमोसोम नंबर इसमें 32 होते हैं, 32 होते हैं। फिर अगली जो फैमिली है वो है चिनोपोडियसी। चिनोपोडियसी में है बीट रूट मिलता है, चुकंदर जो होता है वो चिनोपोडियसी का है। अब इसको याद कैसे करेंगे, शुगर केन के अलावा भी अगर चीनी किसी से निकाली जाती है तो वो किससे निकाली जाती है, बीट रूट यानी चुकंदर से। मतलब जहाँ पर शुगर केन की ज़्यादा कल्टीवेशन नहीं होती है वहाँ पर शुगर का जो मेन सोर्स होता है वो क्या है,
वीट रूट यानी कि चुकरकंद। तो चुकरकंद से चीनी निकालते हैं, इसी वजह से इसका बोटेनिकल नेम चिनोपोडियसी, इस तरीके से याद कर सकते हो। तो वीट रूट जो होता है इसका बोटेनिकल नेम है क्या, वीटा वल्गेरिस। इसका जो ओरिजिन प्लेस है मेडिटेरेनियन रीजन। इसका जो एडिबल पार्ट है वो है रूट, और इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने पाए जाते हैं, 18 पाए जाते हैं। फिर अगला है पालक, पी ए एल ए की जो 5 लिख उठा है वो गलती से लिख उठा है पालक। पालक का जो बोटेनिकल नेम है वो है वीटा वल्गेरिस वेराइटी वेंगालेंसिस। क्या है, वीटा वल्गेरिस वेराइटी वेंगालेंसिस। ओरिजिन जो इसका है वो इंडो चाइना रीजन है। एडिबल पोर्शन इसका जो होता है वो लीफ होता है, इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर 18 होता है। ठीक, फिर आगे बात करते हैं स्पिनाच। स्पिनाच का जो बोटेनिकल नेम होता है वो है स्पिनेचिया ओलरेसिया। इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो है ईरान। इसका एडिबल जो पार्ट है वो क्या है, लीफ है। क्रोमोसोम नंबर इसमें 12 पाए जाते हैं। तो ये तो रही बात चिनोपोडियसी की। अब आगे बात करते हैं कंपोजिटी में। कंपोजिटी में आता है लिट्यूस जिसको हम पालक बोलते हैं, उसके बाद आता है ग्लोब आर्टिचोक, उसके बाद फिर क्या आता है जेरूसलम आर्टिचोक। अब जब हम इसकी बात करेंगे तो लिट्यूस का जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है लेक्टिका सटाइवा। इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो मेडिटेरेनियन रीजन है। इसका भी लीफ और हेड खाते हैं। ओरिजिन जो प्लेस है इसका, सॉरी क्रोमोसोम नंबर इसमें कितने होते हैं, 18 होते हैं। फिर उसके बाद जो ग्लोब आर्टिचोक है इसका बोटेनिकल नेम है साइनारा साइकोलाइमस। क्या है, साइनारा साइकोलाइमस इज द बोटेनिकल नेम ऑफ ग्लोब आर्टिचोक। द ओरिजिन प्लेस ऑफ दिस क्रॉप्स इज मेडिटेरेनियन रीजन। एडिबल पोर्शन इसका क्या है, फ्लावर बड, और क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, 34 हैं। अब जेरूसलम आर्टिचोक जो है इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है एलियंथस ट्यूबरस। क्या है, एलियंथस ट्यूबरस। इसका जो ओरिजिन है वो यूएसए है। इसका हम ट्यूबर खाते हैं, और इसका जो 2N नंबर है वो कितना है, 102। इसी को हम लोग गांव में घुइया भी कहते हैं, समझ गए बात। अब उसके बाद जो अगली फैमिली है वो है कॉनवॉल्वुलेसी। कौन सी फैमिली, कॉनवॉल्वुलेसी, जिसके अंदर स्वीट पोटैटो आता है जिसको हम गांव में कहते हैं शकरकंद या गंजी कहा जाता है, शकरकंद। इसका जो बोटेनिकल नेम है वो आइपोमिया बटाटा है। इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो है साउथ अमेरिका। इसका एडिबल पोर्शन जो है वो ट्यूबर है। इसका जो ट्यूबर, जो हम ट्यूबर खाते हैं, ये किसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये रूट का होता है। ठीक, आलू का हम स्टेम खाते हैं और गंजी का जड़ खाते हैं। जड़ किसका फॉर्म होता है, वो ट्यूबर का फॉर्म ले लेता है, उसी को हम लोग खाते हैं। इसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो 90 क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं। उसके बाद फिर है क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी एक काफ़ी लंबी फैमिली है वेजिटेबल क्रॉप की, तो उसमें क्रूसीफेरी बड़ी फेमस फैमिली है। इसमें है कैबेज। कैबेज का जो बोटेनिकल नेम है वो है ब्रेसिका ओलरेसिया, वेराइटी है कैपिटाटा। ब्रेसिया ओलरेसिया वेराइटी कैपिटाटा। जो क्रूसीफेरी है इसमें देखो ब्रोकली, कैबेज, और उसके बाद कैलीफ्लावर, नॉलखोल, ये सब जो आता है ये क्रूसीफेरी फैमिली में ही आता है। ठीक, और इसी क्रूसीफेरी फैमिली में और भी चीज़ें आती हैं। आप लोग वो बताइए कि क्रूसीफेमरी की कौन सी एग्रोनॉमियस क्रॉप आती है। ठीक, अब इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो है मेडिटेरेनियन रीजन। इसका हम हेड खाते हैं, कैबेज पत्ता गोभी जो होता है उसका हेड खाते हैं। वो किसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लीफ का होता है, लेकिन वो हेड का रूप बना होता है, इस वजह से उसको खाते हैं। इसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो 18 होता है। फिर उसके बाद जो ब्रेसिकेसी है, ये ब्रेसिकेसी और क्रूसीफेरी एक ही है, कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना मेरे भाई। क्या, ब्रेसिकेसी और क्रूसीफेरी एक ही फैमिली है। अब ये ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी फैमिली में कौन कौन से, जैसे अभी मैंने बताया कॉलीफ्लावर, कैबेज, स्प्राउटिंग ब्रोकली, ब्रुसेल्स स्प्राउट, नॉलखोल, केल, चाइनीज कैबेज, टर्निप, रेडिस, ये सब किस में आते हैं, ये सब ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी फैमिली में आते हैं। तो आप कॉमन नेम देख लेते हैं। कॉलीफ्लावर का जो बोटेनिकल नेम हो वो क्या है, ब्रेसिका ओलरेसिया वेराइटी बोट्राइटिस। इसका भी ओरिजिन प्लेस मेडिटेरेनियन रीजन ही है। इन सबका लगभग मेडिटेरेनियन रीजन ही है, जहाँ नहीं लिख रहा है उसका बोटेनिकल नेम, सॉरी ओरिजिन प्लेस लगभग और लगभग कहाँ पर है, मेडिटेरेनियन रीजन है। इसका जो एडिबल पार्ट है वो है कर्ड। क्रोमोसोम नंबर इसके अंदर 18 पाए जाते हैं। ब्रुसेल्स स्प्राउट, इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है ब्रेसिका ओलरेसिया वेराइटी गैमीफेरा। इसका हेड खाया जाता है।
ओरिजिन सॉरी क्रोमोसोम नंबर इसके अंदर 18 पाए जाते हैं। उसके बाद जो अगला है वो है स्प्राउटिंग ब्रोकली। इसका जो बोटेनिकल नेम है ब्रेसिका ओलेरेसिया। इसकी जो वेराइटी है वो है इटैलिका। कौन सी वेराइटी? इटैलिका। ओरिजिन प्लेस मेडिटेरेनियन रीजन है। इसका हम फ्लावर बड खाते हैं। क्रोमोसोम नंबर इसके अंदर 18 होते हैं। फिर अगली क्रॉप जो है आपकी वो है नॉलखोल। नॉलखोल का जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है ब्रेसिका ओलोरेसिया वेराइटी गोंगोलाइडिस। क्या? ब्रेसिका ओलोरेसिया वेराइटी गोंगोलाइडिस या ब्रेसिका कोलोरापा। इसकी एक इसका एक बोटेनिकल नेम और भी है, वो क्या है? ब्रेसिका कोलोरापा। इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो भी मेडिटेरियन रीजन है। इसका जो एडिबल पोर्शन है इसका नोब खाते हैं हम। और क्रोमोसोम नंबर इसके अंदर कितने होते हैं? 18 होते हैं। अब जो ये केल अगली वेराइटी है सॉरी अगली क्रॉप है केल। केल का जो बोटेनिकल नेम होता है वो है ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी एसीफाला। इसको हम जो खाते हैं लीफ और सूट खाते हैं इसका। इसके अंदर क्रोमोसोम 18 होता है। फिर अगली जो क्रॉप है वो है चाइनीज कैबेज। चाइनीज कैबेज का बोटेनिकल नेम जो है वो है ब्रेसिका चाइनेंसिस। नाम से पता चल रहा है चाइनेंसिस, तो इसका ओरिजिन प्लेस क्या होगा? चाइना। इसका लीफी हेड खाते हैं हम। और क्रोमोसोम नंबर इसके अंदर 20 होते हैं। फिर आया टर्निप। टर्निप को हम लोग क्या बोलते हैं? सलजम बोलते हैं। इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है ब्रेसिका रापा। ओरिजिन प्लेस इसका चाइना और इंडिया दोनों को माना जाता है। एडिबल पोर्शन रूट होता है इसका। और क्रोमोसोम नंबर इसके अंदर भी 20 होता है। फिर रेडिस। रेडिस का जो बोटेनिकल नेम है वो क्या है? रेफनस सटाइवस। रेडिस का बोटेनिकल नेम क्या है? रेफनस सटाइवस। रेडिस को हम मूली कहते हैं और इसका पराठा जो है बड़ा फेमस है। ओरिजिन जो इसका है वो है यूरोप। और इसका जो एडिबल पोर्शन है वो क्या है? रूट एंड लीव्स। रूट और लीफ इसका खाते हैं। इसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो कितना है? 18 है। आई होप कि आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो आज के लिए केवल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा हो, अगर आप चाहते हो कि ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट करी है वेजिटेबल वाली, ये भी अच्छे से चलती रहे, तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।